स्टार्स को तो आप लोगों ने फिल्म पे देख लिया है, उसके अलावा विक्रम है यहाँ पे और कुछ लोग हैं जैसे गोविंद नामदेव जी और अखिलेंद्र मिश्रा जी वगैरह हमारे साथ, वो गोविंद नामदेव जी और अखिलेंद्र मिश्रा इनके यहाँ भी गणपति हैं, नहीं आ पाए। जॉयस एन गुप्ता का फ्लाइट लेट है इसलिए हम नहीं दिखा पा रहे हैं आपको उनको। और इन सबको तो आप जानते हैं, कुछ लोग होते हैं जो पर्दे पे नहीं होते हैं मगर पीछे होते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उनमें से की रोल एक संदेश जी प्ले कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने म्यूजिक दिया है और म्यूजिक से फिल्म यहाँ से यहाँ। सो बिग हैंड फॉर संदेश जी, बिग हैंड फॉर संजय सूरी जी, तनिष्ठा जी, विद्या जी, पवन जी एंड वन मोर पर्सन बिहाइंड द सीन्स जो कैमरे के पीछे जिन्होंने फिल्म को को डायरेक्ट किया है और बहुत ही खूबी से आगे बढ़ाया है, इस तन्वी जैन। एंड सबसे अहम भूमिका होती है जो आदमी पैसा देता है और बोलता है कि आप फिल्म बनाओ, अच्छे से बनाओ, वो काम आनंद चौहान ने किया है। ओके, आनंद चौहान फिल्म के प्रोड्यूसर हैं और हमारी फिल्म के दो को प्रोड्यूसर हैं विनायक गवांडे जी और जयेश पारेख जी, वो नहीं हैं और मगर हम उन सबको याद करते हैं। और उनके अलावा बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे हमारे टीम में, रश्मि जी हैं, हेमा जी हैं, राहुल जी हैं, जीनत जी हैं, संजय भेटकर हैं, अमन हैं, सेमांतिक हैं। तो वी विल गेट इनटू पैनल एंड द पैनल इज मोस्टली अबाउट द फिल्म, देयर एक्सपीरियंसेस एंड व्हाट अ फिल्म लाइक दिस नीड्स टू डू। आई पर्सनली फील, दो लाइन में बोल करके मैं पास ऑन करता हूँ, मेरे मुझे जो लगता है कि हम बहुत अच्छे समय से गुजर रहे हैं, इन द सेंस दैट सडनली इवन द गवर्नमेंट हैज़ टेकन नोट ऑफ इशूज लाइक दीज, और हमारे पास एक ऐसा पावरफुल मीडियम है सिनेमा, जो अगर आपने बना लिया है और उसमें इस कैलिबर के आर्टिस्ट हैं तो वो फिल्म बहुत लोग देखना पसंद करते हैं, देखना चाहते हैं। और फिर फिल्म छोटी बड़ी नहीं होती है, सब्जेक्ट छोटा बड़ा होता है, और मेरे ख्याल से इस फिल्म का सब्जेक्ट शायद किसी ब्लॉकबस्टर से बहुत ऊंचा है। तो मेरे ख्याल से ये फिल्म के एक्सपीरियंसेस के बारे में और किस तरह का एक बदलाव ये फिल्म ला सकती है, ये सब हम बातें करेंगे। ये एक ऐसा जॉनर है जो रश्मि जी जानती हैं बहुत अच्छे से, हमारे इम्पैक्ट एडवाइज़र हैं, जो ये ऐसा जॉनर एक बनता जा रहा है फिल्म फॉर चेंज, जो कहानी होती है बहुत एंटरटेनिंग स्टोरी होती है मगर वो कुछ कहना चाहती है आपको, कुछ पहुंचाना चाहती है आप तक कुछ है। तो वो सब को लेकर के ये फिल्म में हम चाहते हैं कि आप जितने अच्छे से उसको लिखेंगे, जितने अच्छे से पेश करेंगे, उतने लोगों में क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, अवेयरनेस बढ़ेगी और लोग आएंगे लाखों की तादाद में देखने के लिए। तो आप सबका उतना ही हाथ है जितना इन सब का हाथ यहाँ पे, और हमारे जो टीम है यहाँ पे, हमारे जो टीम नहीं है और आप लोग सबका किसका हाथ पड़ा है, थैंक यू वेरी मच। तो आई स्टार्टेड विद संजय सूरी। थैंक यू ब्रह्मा, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून आप सभी को गणेश चतुर्थी की मुबारक। आप इस फिल्म का हिस्सा बन पाया खुशकिस्मत हो, क्योंकि ऐसी कहानियों से जुड़ना एक ये आदमी एज एन एक्टर और प्रोफेशनल अलग रीजंस के लिए करता है, और ऐसा नहीं है दे टुक केयर ऑफ अस कम्प्लीटली, बट जैसे ब्रह्मा ने कहा कॉज, जो आइडिया है फिल्म का कॉज सिनेमा, कभी कभी आप फिल्म देखते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं और आप उसको अपने साथ घर ले जाते हैं और आपके साथ वो फिल्म रहती है, उसका मैसेज या उसका कोई ऐसा सीन, कोई ऐसा इमोशन आपके साथ रहता है। पहले जब मैं भी बड़ा हो रहा था, फिल्मों से निकलते थे, कोई राजेश खन्ना के स्टाइल में बाहर निकलता था, कोई राज कपूर साहब की वॉक में बाहर निकलता था, इतना असर होता था एक एक्टर
की परफॉर्मेंस को देख के। और कभी कभी कोई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो आपको सेंसिटाइज कर देते हैं, और ये ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे लगता है बड़ों को तो ज़रूर देखना ही चाहिए। छोटी सी बात है, हम सब बड़े होना चाहते हैं, जल्दी जल्दी आप सब भी बड़े होना चाहते हैं कि हमें गाड़ी चलाने को कब मिलेगा, हम कॉलेज कब जाएंगे, हम मम्मी पापा से नहीं पूछना है कुछ भी वगैरह वगैरह। और मैं इतना आपको कह सकता हूँ, जब हम बड़े हो जाते हैं हम हमेशा बचपन की बातें करते हैं, हम बचपन को याद करते हैं, तो उस बचपन में कुछ था जो हम बहुत जल्दी खो देते हैं। कल ही हम एक और कहीं एक शो पे गए थे तो सब कह रहे थे कि आपको ऐसा वाक्या सुनाएं जो आपका बच्चा करता है, और सब इंसिडेंट्स ऐसे थे कि जब पेरेंट्स शर्मिंदा हुए क्योंकि वो बच्चों को सिखा रहे थे अब सच बोलो, लेकिन वो खुद ही छोटे छोटे झूठ बोलने लग जाते हैं। जैसे किसी का फोन आता है, उनको बोल दो मम्मी घर पे नहीं है, पापा घर पे नहीं है, वहाँ से एक छोटे बच्चे पिकअप करते हैं और कहते हैं आप तो हमें सच बोलना सिखाते हैं लेकिन आप खुद झूठ बोलते हैं। तो ये बहुत बारीकियाँ होती हैं, और आहिस्ता आहिस्ता हम बड़े हमको कैसे खराब करते रहते हैं। एक्चुअली हम सही आए थे इस दुनिया में, तो आहिस्ता आहिस्ता हम बड़े बनते हैं। और अभी इनिशियली जब वेलकम किया तो हम बोला सॉरी 2 मिनट हो गए, बस 10 सेकेंड और कि बच्चा पार्टी। बच्चा पार्टी तो बड़ी अच्छी चीज़ है, किसी कभी आपने सुना है बड़ा पार्टी, बुड्ढों की पार्टी नहीं ना, बच्चा पार्टी। तो जो दिल तो बच्चा है जी, वो रहना चाहिए हमेशा, और हमेशा आई थिंक हम सबको भी अपना बचपन उसको पकड़ के रखना चाहिए और हिम्मत करनी चाहिए। जैसे झलकी ने की अपने भाई को ढूंढने में, हमें खुद मेहनत करनी चाहिए कि अपने बचपन को हम ढूंढें और बच्चों से उनसे कुछ सीखें। तो आई नो जब हम माँ बाप बनते हैं तो बहुत एक सेंसिटाइजेशन हो जाती है, लेकिन ये उन सब के लिए भी है जो अभी माँ बाप नहीं बने या बनने का सोच भी नहीं रहे हैं। बस वेरी एक्साइटेड टू बी पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल वंडरफुल इनिशिएटिव एंड ऑफ झलकी। थैंक यू संजय की एक्सटेंशन। मतलब मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे देश में एक्चुअली बच्चों को लेकर फिल्में और बच्चों के लिए फिल्में ये चीज़ें होती भी नहीं है ज़्यादा। बहुत मतलब बच्चों को जब हम दिखाने ले जाते हैं फिल्में तो ज़्यादातर वो हॉलीवुड की फिल्में ही दिखाते हैं। बट आई थिंक इस फिल्म की एक बहुत अहम खासियत है कि जबकि ये सब्जेक्ट बहुत सीरियस है लेकिन इसको जिस तरह से दिखाया गया है कि बच्चे भी रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि मुझे ये भी लगता है कि वो सेंसिटाइजेशन जो है वो बचपन से ही होना चाहिए, तभी जाके हम लोग रिस्पॉन्सिबल एडल्ट्स बन पाते हैं। क्योंकि ये कहानियाँ जो है जब तक हमारे पॉप कल्चर में नहीं होगा तब तक हम लोग सेंसिटिव होके ग्रो अप ही नहीं करेंगे। हमें लगता है कि अच्छा बच्चों के लिए हम लोग ये इस टाइप की कहानियाँ रखते हैं और बड़ों के लिए अलग कहानियाँ रखते हैं, ऐसा होता नहीं है। बच्चे बहुत शार्प होते हैं और उनको समझ आ जाती है चीज़ें। और मतलब इस फिल्म की ये खासियत है कि जैसे हम लोगों ने म्यूज़िक वीडियो में भी देखा है कि बच्चों को जिस ढंग से कहानी समझ में आए, कहानी उस ढंग से कही गई है। तो एक मतलब बहुत बेसिक भाई बहन के रिलेशनशिप में जो एक बेसिक इमोशन होता है वो उस थ्रेड को भी फॉलो किया गया है जो हर बच्चा भी रिलेट कर पाएगा। सो आई थिंक कि पॉप कल्चर के थ्रू भी हम लोगों को ये एक्सटेंशन जो है, ये सेंसिटाइजेशन जो है, ये बच्चों में भी इनकल्केट करना चाहिए। और जैसे संजय ने कहा, आई कम्प्लीटली अग्री विथ हिम कि वो लोग बहुत शार्प, बहुत ओपन, बहुत सही पैदा होते हैं, फिर हम लोग उनको गलत कहानियाँ सुना के भी बिगाड़ देते हैं। तो उनको भी सही कहानी की एक्सपोजर जो है वो हमको बचपन से ही देनी चाहिए। और आई एम ऑल्सो रियली हैप्पी एंड प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। और जो इम्पैक्ट और चेंज की बात हो रही है, मैं ये कहना चाहूँगी कि इस तरह की फिल्मों का पार्ट होना मेरे लिए पर्सनल लेवल पे एक्चुअली इट हैज़ इम्पैक्टेड मी, कि मैं बच्चों के साथ जब काम करती हूँ और ये कहानियाँ सुनती हूँ
ये सब सुनने के बाद, इसके थ्रू जाने के बाद, मुझे उस ये पहली चीज़ ये कि मुझे पर्सनली इम्पैक्ट करती है। उसके बाद तो मैं बाकी लोगों को कह सकती हूँ कि देखो ये कहानी आप लोगों को इम्पैक्ट कर रही है कि नहीं। इस टाइप की फिल्में जो हम लोग जो इस फिल्म के पार्ट है, इसने मुझे पर्सनली इम्पैक्ट किया है और इस पर्सनल इम्पैक्ट की वजह से मैंने कुछ किया भी है ज़िंदगी में। So I mean that is my personal this thing, I don't want to share it here, but I think it starts from there ki jo log jud ke kaam kar rahe hain kaise ye kahani hum logon ko kaise isne impact kiya hai pehle. Namaskar dosto, pyare bachcho, hum log kabhi kabhi apni zindagi mein itne masroof hote hain ki hame pata hi nahi chalta ki hamare desh mein ya duniya mein aur kya kya ho raha hai. Thank you Brahma ji. जब ब्रह्मा जी ने मुझे फिल्म की कहानी सुनाई तब मुझे कैलाश सत्यार्थी जी के बारे में पता चला, क्योंकि हमारे यहाँ स्पोर्ट्स में बहुत हीरो हैं जिनको आप जानते हैं और भी कुछ फील्ड्स में, लेकिन कुछ ऐसे हीरो हैं हमारे देश में जो हम कभी हमारे नज़रअंदाज कर जाते हैं, हमको पता नहीं चलता उनके बारे में. और जो कैलाश सत्यार्थी जी हैं उन्होंने ऐसे बहुत सारे छोटे बच्चे जो कभी स्कूल ही नहीं जा पाते, जो हमेशा बचपन से ही काम करते हैं और बहुत बुरे हालात में जीते हैं, उनको वहाँ से निकाल के उनको एक अच्छी ज़िंदगी देने की कोशिश की है और अभी भी कर रहे हैं. ब्रह्मा जी को मैं फिर से थैंक यू बोलता हूँ कि उनके लाइफ के ऊपर उन्होंने ये फिल्म बनाई है और बोमन ईरानी जी ने उसको बहुत खूबसूरती से उसको निभाया है. और क्योंकि अगर ऐसे कलाकार इस फिल्म में आएंगे तो ऐसे कॉज को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीबडी, दिव्या जी एंड बिल्कुल. कैलाश जी का हिस्सा छोटा है मगर इतना पावरफुल है कि वो आपको एक अलग लेवल पे ले जाती है. सबसे पहले शुरुआत करूँगी हमारे डायरेक्टर से, ब्रह्मानंद सिंह. इनसे मेरा तारुफ हुआ था जब मैंने पंचमदाह की डॉक्यूमेंट्री देखी थी और इन्हें ढूंढ ढूंढ कर निकाला कि ये कौन शख्स है जिसने इतनी खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री बनाई. और उसके बाद जगजीत सिंह जी की डॉक्यूमेंट्री देखी एंड एक मन में ये ज़रूर था कि इनके साथ काम ज़रूर करना है, बिकॉज अगर आपने देखी है वो डॉक्यूमेंट्रीज तब भी ब्यूटीफुल. एंड आई वॉज फॉर्चुनेट कि एक ऐसे सब्जेक्ट के लिए उन्होंने मुझे कहा इस फिल्म का हिस्सा बनने के लिए. जैसा संजय ने बहुत सही कहा कि हम जब बड़े हो जाते हैं अपना बचपन याद करते हैं, तो हम बहुत खुशकिस्मत लोग हैं कि हमारे बचपन बहुत बचपन की तरह ही थे, जहां हमने शरारतें की हैं, हमें जो कभी मन किया कि हमें ये चाहिए हमारे पेरेंट्स ने हमें दिया, हमने खेल कूद भी किया है जहां पर डांट करनी है, मिस्टेक्स करनी है, एवरी थिंग दैट इज़ चाइल्डहुड, हमने वो सब किया है. लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें आप फिल्में भी देखेंगे जो चाइल्ड लेबर में फंस जाते हैं और वो अपना बचपन ही नहीं जी पाते. सो कैलाश जी के जीवन पर ये जो कहानी, इनफैक्ट मुझे पर्सनली उनसे मिलने का मौका मिला एंड 50,000 से ऊपर कितने बच्चों को, 85,000 बच्चों को उन्होंने चाइल्ड लेबर से बचाया और आज भी कर रहे हैं. एंड ही हैज नोबेल प्राइज उन्हें इसकी वजह से मिला और बिल्कुल पैशन उनका ऐसा है कि जान भी जोखिम में डाल के फिर भी बच्चों को बचा रहे हैं. और सबसे खूबसूरत बात, जब मैं उनकी डॉक्यूमेंट्री उन पर जो बनी है एक डॉक्यूमेंट्री वो देख रही थी, जो एक्चुअल बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट थी, पहले डर था कि हमें किस खौफनाक जगह से आप निकाल के नॉर्मल ज़िंदगी में वापस डाल रहे हो, और पेरेंट्स जो अनश्योर थे कि अब हम इन्हें नॉर्मल चाइल्डहुड कैसे दें, लेकिन जो एक रिलीफ था कि नाउ वी आर फ्री, वो उस इंसान ने किया है. वमन हैज रियली डन सच अ फैबुलस जॉब ऑफ प्लेइंग हिम एंड आई थिंक वी आर अ फैबुलस टीम हियर. बहुत हंसते खेलते मिर्ज़ापुर में हमने शूट किया, तन्वी हास्को डायरेक्टेड इट, 48 डिग्री सेल्सियस तो लेकिन हंसी मजाक में बहुत खूबसूरत सी प्यारी सी फिल्म बनी है एंड इट्स ऑल हार्ट. और जहाँ बच्चे होते हैं मुझे लगता है वहाँ एनर्जीज भी वैसी रॉ हो जाती हैं, आप सब अनलर्न कर लेते हैं. तो मुझे लगता है इन दोनों बच्चों को देखते देखते हम भी कहीं ना कहीं बचपन में गए एंड आई एम श्योर यू विल फाइंड दैट इन द फिल्म व्हेन यू सी इट. लाइट जा रही होती है, कभी कैमरामैन कहता है इतना काम है, दो सीन बाकी है, हो जाएगा, फिक्र मत करो. और इन्होंने सब्र के साथ ही इस फिल्म को यहाँ तक लाए हैं और इतनी अच्छी तरीके से ये यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस और आपके साथ मुलाकात का मौका मिल रहा है, हश हश नहीं है.
दो बार ट्रेलर भी देखा है. नहीं मैं वाकई वेरी वेरी नाइस टू बी वर्किंग विद तन्वी यू एंड ऑफ कोर्स ब्रह्मा एंड एंटायर टीम. थैंक यू. एंड आई आल्सो लाइक टू थैंक एंजल एक्सप्रेस जहां के बच्चे हमारे साथ हैं. वन राउंड ऑफ इनफैक्ट इसका ये फिल्म का हैशटैग है आई एम विद झलकी. एक बहुत बड़ा मूवमेंट शुरू हो गया है. ये सभी बच्चों ने टी शर्ट भी पहन रखी है आई एम विद झलकी. बट इट्स बिकमिंग ए बिग मूवमेंट. एंड दैट इज आल्सो द प्लेस फ्रॉम वेयर वी गॉट आरती झलकी हमारी झलकी. पीछे घूम जाओ. सो थैंक्स टू देम. एंड और आरती और गोरक्ष फिर हम अलग से भी सब एंड गोरक्ष द लिटिल स्टार. मुझे एक लगता है कि हमारे समाज में हमेशा बोला जाता है बच्चे मन के सच्चे या बच्चे कल के नागरिक है. बहुत सारी चीज़ें बोली जाती है. एनजीओ अपना अपना काम करते हैं. बहुत सारे आर्टिस्ट जो होते हैं बॉलीवुड के वो सपोर्ट में आ जाते हैं. बट मुझे लगता है कि ब्रह्मा जी ने एक ये खुद का एक सपना दिखा ये झलकी के मूवी में और वो 27 को पूरा होने वाला है. तो जिस तरह से उनका एक सपना है और उसमें एक हम लोगों को एक पार्ट होने का एक मौका मिल रहा है तो ये बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए. क्योंकि बहुत सी बार मूवी प्रोड्यूस करना तो पहले उसका कमर्शियल एंगल देखा जाता है और बाकी सारी चीज़ें देखी जाती है. बट मुझे लगता है कि जब ऐसे कॉज के लिए अवेयरनेस के लिए कुछ करना हो तो मुझे लगता है ब्रह्मा जी जैसा एक विजन होना चाहिए. कैलाश सर है और पूरी जो कास्ट है इन्होंने जिस तरह से कोऑपरेट किया हुआ है वो बहुत बड़ी बात है. मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मराठी में एक मूवी आई थी जो रितेश देशमुख ने प्रोड्यूस की थी बालक पालक और वो किड्स और पेरेंट्स इनके रिलेशनशिप पे थी. तो 2013 में बहुत ब्लॉकबस्टर मूवी हुई थी बहुत अच्छी तरह से चली. मैंने उसके राइट्स लिए और उसको तेलुगु और तमिल में बनाया. और ये ऐसी बात हुई है कि अभी सेकंड प्रोजेक्ट भी बच्चों के ऊपर ही है तो मुझे लगता है कि यही कुछ एसोसिएशन है जो आगे चलते रहेगा. और आप प्लीज हमें आपके आशीर्वाद रखिए हमारे साथ. थैंक यू सो मच. थैंक यू. आप सबने जो भी कहना था बोल दिया तो मेरे लिए लास्ट में कुछ रखते हैं. लेकिन मैं ये कहूँगा एक दिन मैं 2 साल पहले मैं बैठ के मैं मेरी फिल्म लिख रहा था खिड़की के पास और मैं वहीं पे कुछ टाइपिंग कर रहा था. मैसेज आया व्हाट्सएप पे कि we would like you to be part of a film which is about child labor. तो मैंने देखा और मैं मुझे थोड़ा टाइम लगता है. आप आज भी जानते हैं टाइम लगता है जवाब देने में व्हाट्सएप पे. फिर से फ्लैश हुआ वही तो मैंने एक हाथ से जवाब दिया. आई थिंक आई जस्ट रोट डन. आई डोंट नो व्हाई मुझे मालूम नहीं है. मुझे बहुत टाइम लगता है जवाब देने में. मेरी बीवी फोन करती है तो तब मैं तुरंत जवाब देता हूँ इसके अलावा. लेकिन मैंने बोला डन और तुरंत ब्रह्मानंद का फोन आया. ओ थैंक यू बोला आया डन. सो आर यू श्योर आप मजाक तो नहीं कर रहे. बोले बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा. और मैंने कहा कि कितने दिन कहाँ पे शूट करना है. बात मुझे कुछ पता नहीं था कि इस फिल्म इट इज अबाउट चाइल्ड लेबर बॉन्डेड लेबर एंड दैट्स ऑल दैट मैटर्स. आई स्टिल रिमेंबर वन लाइन फ्रॉम योर रिस्पांस मैसेज कि I want to do this film, irrespective of anything else, and I'm not even bothered about my positioning in the film. That was your words, and I think that was amazing. और जब मैं इनको जिस दिन हम शूट कर रहे थे and he was supposed to come for his schedule from the next morning, I was not able to go and meet him or receive him that day. And मैंने पूछा कि hope everything is okay, and his line was don't worry. This is a presidential suite compared to what Kailash Satyarthi, the person I'm playing, must have endured in his life. So I think these are amazing things coming from someone of the stature of Boman Irani ji, and it just makes work so much more pleasure and purposeful. I think at the end, please continue, sir. So
जब मैं बोलूं तो जब मैं गया मिर्जापुर तो दिस वंडरफुल पीपल वर ऑलरेडी देयर, उनका काम ऑलमोस्ट खत्म होने को आया और मैं वहां पे पहुंचा तो मिर्जापुर में मैं आई थिंक 45-47 डिग्रीज थे गर्मी और मैं रूम में गया और मैंने वो लड़के को पूछा एसी ऑन करो ना यार बोला ऑन ही है बोला नहीं कुछ नहीं हो रहा है तो उसने खिड़की खोली एसी वैसे बोला वेरी नाइस तो और ब्रह्मानंद का फोन आया बोला आई एम सॉरी आई होप इट्स कंफर्टेबल बोला नहीं बहुत अच्छा नो प्रॉब्लम जो जो कैलाश जी ने लाइफ में किया है और जहां जहां पे गए हैं और रुके हैं और रहे उसके सामने ये तो प्रेसिडेंशियल स्वीट जैसा लग रहा था मुझे सचमुच और फिर हम मैं शूटिंग पे गया दूसरे दिन सुबह और मेरे कान में ब्रह्मानंद आके कह रहे किसी को बताना नहीं आप यहाँ क्या कर रहे हैं तो क्या बोलूं मैं धूल खाने थोड़ी आया यहाँ पे बोला नहीं 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 थोड़ा यहाँ पे रिस्की है मैंने डन बोल दिया तो ये डन ही हो गया है तो मैं कहाँ फंस गया बोले आई एम जोकिंग ऑफकोर्स आई एम जोकिंग मैंने ऐसे सोचा नहीं था लेकिन मैं ऐसे सोचो सोच तो आती है ना यार बोला ऐसे ऐसे हम लोग देख रहे हैं कि तो मैं देख रहा हूँ सचमुच व्हाट्स गोइंग टू हैपन कोई आके तोड़ फोड़ तो नहीं करे कुछ प्रॉब्लम हो रहे थे ना सेट पे तो कैन यू इमेजिन मैं मुझे मालूम नहीं था ये क्या होने वाला है यहाँ पे ये मिर्जापुर क्या जगह है कितनी धूल है मिर्जापुर में पूछो इतनी धूल जितने आसमान में जितने तारे उतनी धूल मिर्जापुर में सॉरी बोलना नहीं चाहिए सॉरी ऐसे हमारा देश का एक हिस्सा है इट्स वेरी डस्टी प्लेस और आई सेड टू माय सेल्फ ये तो मुझे मालूम नहीं था मैं पहुंच गया अगर मालूम होता तो आई डोंट नो लेकिन कैलाश जी ये सब जानते हुए भी एक टाइगर की तरह घुस जाते हैं इस जगह में और बच्चों को बॉन्डेड लेबर से बचा के बाहर लेके आते मैंने इतने सारे इंटरव्यूज मैंने लाइफ में कभी नहीं दिए लेकिन कैलाश जी के बारे में मैंने इतने बहुत इंटरव्यूज दिए बहुत बोलते जाता था आखिर में someone said so what is he I said he is like a true life hero आपने कहा जैसे he is a true life he is like Batman he saves people he saves children he saves these beautiful faces और मुझे ये इम्पैक्ट बाद में पता चला कि आई एम इन्वॉल्व विद टू बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जुड़ा हुआ हूँ लेकिन दो खास करके एक है डॉन बॉस्को शेल्टर जो ऑफेंस और स्ट्रीट चिल्ड्रन को जहाँ पे रखते हैं और मैं 10-15 साल से उसे वो ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करता हूँ और एक है आकांक्षा जो चिल्ड्रन अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन गेट अ गुड एजुकेशन ओके बट दिस ब्लू माई माइंड ये तो एजुकेशन की बात तो दूर रह गई ये तो इट्स नॉट इवन लाइक अ जेल इट्स नॉट इवन लाइक अ जेल इट इज मच वर्स देन दैट बिकॉज़ दिस चिल्ड्रन हैव लॉस्ट देयर एंटायर चाइल्डहुड कंप्लीटली एंड वी आर सिटिंग ओवर हियर एंड वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट इट एंड ब्रह्मानंद थैंक यू फॉर मेकिंग द मूवी एंड ब्रिंगिंग दिस मच अवेयरनेस एंड आई थिंक इट इज आवर ड्यूटी दैट इफ कैलाश जी द ग्रेट कैलाश जी कैन डू व्हाट ही डज एंड ब्रह्मानंद इन योर ओन वे यू डू व्हाट यू डू हम क्या करें तो दो चार दिन गर्मी में क्या हमने बर्दाश्त किया क्या किया हमने आई थिंक वी शुड डू मच मच मोर आई थिंक ऑल ऑफ यू कैन हेल्प अस एंड हेल्प दीज किड्स टू डू एज मच एज यू कैन टू स्प्रेड द वर्ड इट इज आवर योर ड्यूटी एज इंडियंस टू स्प्रेड द वर्ड दैट दिस इज व्हाट इज हैपनिंग टुडे एंड वी हैव जस्ट वन बैटमैन एक ही बैटमैन खादी में वन बैटमैन And I feel that जब मैं interviews देता था आप ये picture में क्या करें playing कैलाश से क्या पहले तो मेरा chest इतना swell हो जाता था और मुझे बहुत बुरा लगता था जब बहुत सारे पत्रकार मुझे पूछते कैलाश कौन That's sad He's a Nobel Prize winner Only one from India to have won the Peace Prize Nobel Prize winner people say कैलाश कौन आज थोड़ा बहुत लोगों को एक awareness आई ये picture के बाद बहुत बहुत बातें की लोगों ने कैलाश जी के बारे में आई जस्ट वॉन्ट टू टच हिज फीट शेक हिज हैंड टेक हिज ब्लेसिंग और अपने बच्चों और बचपन के बारे में बात की और आप बोले कि बड़े हो जाते बचपन ही आ जाता है आई थिंक वी शुड डू मोर देन दैट मैं सचमुच कहता हूँ मैं आज भी बचपन की याद नहीं आती मुझे मैं अपने अंदर जो बच्चा है
जैसे छलकी अपने भाई के भाई को ढूंढती है, मैं वो अंदर के बच्चे को ढूंढ रहा हूँ आज. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच एवरीवन. बड़ी चुनिंदा फिल्में बनती हैं, या मैं तो कहूँगा बनती ही नहीं है. अब आई वांट एवरीवन टू टेक इट ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट. और जो स्टार कास्ट इस वक्त मौजूद है, चाहे मैं दिव्या की बात करूँ, मोहम्मद सर की बात करूँ, तनिष्ठा की बात करूँ, या संजय सूरी साहब की बात करूँ, ये वो स्टार कास्ट है जो मुख्तलिफ फिल्मों में नजर आती है और इसी तरह के सोशल मुद्दों में. कैसे आप लोग सब एक ही जगह पहुँच जाते हैं, पहले तो ये जानना चाहूँगा. I think जहाँ आपके जैसे भवन जी ने कहा, आप अपने बच्चे को खोज रहे हैं, राइट? जब आप कुछ भी खोज रहे होते हैं, कुछ सीख कर रहे होते हैं, कुछ चीज़ आपको मिलती है और वो आपका एक्चुअल चित्त होता है, जो आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसको फील करते हैं, महसूस करते हैं, और आप वही एडवोकेट भी करते हैं और आप अपनी ज़िंदगी भी वैसी जीते हैं, तो फिर चीज़ें आपको अट्रैक्ट करने लग जाती हैं. आप नहीं जाते कहीं पर, वो खुद कहते हैं ना, यू अट्रैक्ट, यूनिवर्स स्टार्ट्स कंस्पायरिंग, यूनिवर्स स्टार्ट्स कंस्पायरिंग. सो बचपन में सीखा नहीं था ये वर्ड कंस्पायरिंग? नहीं, एक्चुअली कंस्पायर तो बहुत दूर था. बट तो जो जैसे आपकी सोच या बदलने लगती है, या एक्चुअली अपने कोर से कनेक्ट होते हैं, फिर ऐसा ऐसा आपको वैसी चीज़ें अट्रैक्ट करने लग जाती है और खुद ही आपको वैसे मैसेजेस आते हैं और वैसे फिल्म मेकर्स भी आपको कांटेक्ट करते हैं, तो आप एक हिस्सा बन जाते हैं उस. तो कुछ देखिए, मैं अपने करियर का बोल सकता हूँ कि इसको कंपेयर कीजिए बुफे के साथ, ठीक है? कईयों को फुल बुफे मिलता है, स्टार्टर मिलता है, सैलड्स होते हैं, मेन कोर्स मिलता है, दाल, वेजिटेरियन में 4 ऑप्शन, नॉन वेज में 10-12 ऑप्शन, फिर डिजर्ट में 5-6 ऑप्शन. तो कभी कभी मेरे करियर में स्टार्टर भी खत्म हो गया कभी कभी चीजें, तो या खाते हैं वही भिंडी, या खाएं, या अब हमने खानी वो दाल है, मुझे वो हजम नहीं होता वो मटन, तो फिर वही जो चाहिए वही मिल जाता है और किचन चल जाता है और आत्मा भी तृप्त हो जाती है. आपको लगेगा कि हाँ लक्की सिंह ऐसे ही बात करेगा, सरदार ऐसे ही बोलेगा. कैलाश जी को क्या आपकी कोई वर्कशॉप वगैरह हुई थी, क्या मुलाकात हुई, और कितना मैनरिज्म उनका आपने सीखा, या इत्तेफाक नहीं हुआ उनसे मिलने का? बहुत सारे वीडियो देखे थे, जितने भी वीडियो आई थिंक यूट्यूब पे मैंने बहुत बार देखे. लेकिन मैंने एक्टिंग में एक चीज़ सीख लिया है कि हम मैनरिज्म्स में और बॉडी लैंग्वेज में और शक्ल और मेकअप या जो भी उनका लुक जो होता है, किसी भी किरदार का, उस पर ध्यान देंगे तो अंदर में जो बैठा हुआ इंसान जो है वो कभी भूल जाते. तो वो सब तो ठीक है, वो तो गार्निश है, डेकोरेशन है. अगर मैं कैलाशी की आवाज में अगर बात नहीं भी करूँ ना, और मैं कोई पतली आवाज में बात करूँ तो भी चल जाएगा. वो क्या कह रहे हैं और उनकी सोच क्या है, उनका वर्ल्ड व्यू क्या है, उनका स्पिरिट क्या है और उनका इंटेंशन क्या है लाइफ में, अगर वो समझ में आए ढंग से, तो फिर आप कुछ भी उनका इमिटेशन करो, आवाज निकालो, उनकी चाल, उनकी उनका बॉडी लैंग्वेज, कुछ भी आप, उसको इमिटेशन कहते हैं. हमें इमिटेशन नहीं करना है, हमें उस इंसान का जो स्पिरिट और सोल है वो प्रेजेंट करना है. तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वीरू सहस्त्रबुद्धे है कौन और उसका बॉडी लैंग्वेज मतलब किसने देखा है, वी डोंट केयर. I don't know who the person is. I know what he thinks. और क्या सोच है उनकी, और वो सोच गलत है सही है वो ढूंढना है हमें. और कैलाश जी के बारे में तो सोच तो पता ही है हमें पहले से ही. और मैंने 3 कैलाश जी देखे हैं उसमें, 3 कैलाश जी जितने भी वीडियोज में. एक कैलाश जी जो बैटमैन बन के घुस जाते हैं और बच्चों को ऐसे चलो चलो चलो, it's like a I hate to use the word, it's like a thriller action film.
इट इज लाइक एन एक्शन फिल्म जो भाग रहे बच्चों को खून से लथपथ कैला जी मार खाते और उनके जो हेल्पर्स हैं उनके जो वॉलंटियर्स हैं दे आर रनिंग फ्रॉम इट्स लाइक एन एक्शन फिल्म वो आपको स्टंट डायरेक्टर को दिखाएंगे कोई शूट करके दिखाओ नहीं कर पाएंगे इट इज दैट हाई पावर्ड एक्शन जो लोगों को निकालते हैं एग्रेसिवली बात करते हैं फिर एक जो है जो बच्चों के साथ बैठ के बात करते हैं ऐसे बात करते हैं जैसे खुद बच्चे That's the second part of Kailash. Third, that I, the spirit that I, is the statesman, jo yahan pe, yeah, Nobel Prize award winning. 26 countries where he works. Where he works, jo baat karte hai public ko aur press ko, aur unki jo world view hai, wo samjhate, aur logo ko inspire karte. There are three great faces of the great man, Kailash. To main unki imitation, kya hai, jitna bhi woh kar sakta hai, maine kiya hai, इतना भी अच्छा एक्टर नहीं हूं लेकिन मैंने बहुत कोशिश की है वो कर लिया है मैंने लेकिन इफ आई पे अटेंशन टू दैट आई मिस हिज सोल एंड आई नॉट वांट टू रिस्क मिसिंग हिज सोल बाय डूइंग एन इमिटेशन ऑफ हिज वॉइस माय क्वेश्चन इज टू ब्रह्मानंद सिंह माय क्वेश्चन इज टू ब्रह्मानंद सिंह हाउ डिड यू सिलेक्ट द चाइल्ड एक्टर्स एंड डिड यू टेक ऑडिशंस ऑफ मेनी चिल्ड्रन एंड वुड यू बी अप्लाइंग द फिल्म फॉर टैक्स फ्री स्टेटस और some award functions yes. and festivals so हाँ so ये सारी चीज़ें हैं so audition का तो एक normal process होता है हमारे casting directors होते हैं और हम भी ढूंढते रहते हैं तो उसमें से हमने बहुत लोगों को shortlist किया था करीब 150 लोगों को shortlist किया था फिर उससे 28 को किया 28 से 12 को किया तो उस तरह से ये झलकी का role जो play किया है आरती इसका probability of being झलकी was थर्ड और फोर्थ इन टर्म्स ऑफ द प्रायोरिटी मगर कहीं ना कहीं वो जो 15 दिन का जो वर्कशॉप हम कर रहे थे जॉयस एन गुप्ता रतुल तिवारी ये सब के साथ उसमें ये लड़की ऊपर उठते गई और ऐसा ऊपर उठी कि हमें पता चल गया कि ये यही है जो कर सकती है और आप उसको ऐसे देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा मगर आप अभी कैमरा चला दो और देखो वो बदल जाती है एकदम she's a powerhouse performer and same thing with the other little kid Gorakh so ye dono ko humne bahut hi pyar se humne select kiya aur uske baad workshop karke jo ek dono hi lagbhag matlab shuru ke 2-3 din mein thoda sa adjust hone mein time laga par ek baar kar gayi to 5-6 week ka schedule aur phir uske baad उतना टेम्परेचर में काम करना बट क्या खूबसूरती से उन्होंने काम किया क्या टैक्स फ्री स्टेटस के लिए टैक्स फ्री यस सो टैक्स फ्री स्टेटस जनरली 2 वीक पहले अप्लाई करना पड़ता है फिल्म रिलीज होने से पहले और 1 वीक के बाद टैक्स फ्री एप्लीकेबल होती है पहले वीक में कहीं नहीं देते हैं तो वो हम कोशिश ज़रूर कर रहे हैं और आप सबका साथ चाहिए जितना आप इसके बारे में लिखेंगे उतना हमें सपोर्ट मिलेगा तो वो हम कोशिश कर रहे हैं कि 2-3 स्टेट में और संजय हैज सम थॉट्स अबाउट इट हाँ तो ये हम लगे हुए हैं थोड़ा सा चल रहा है अभी आई थिंक 1-1.5 वीक के बाद हम फिर से इसके पीछे पड़ेंगे फिल्म फेस्टिवल्स में भी जाएंगे फिल्म फेस्टिवल जाना शुरू हो गई है अप्रैल से फिल्म फेस्टिवल्स शुरू हुए हैं करीब 6-7 फेस्टिवल गए हैं 3-4 और सामने हैं और मेरे ख्याल से 1 साल तक करीब ये इसका सिलसिला चलते रहेगा हमारे पास 8 अवार्ड्स ऑलरेडी हैं मतलब नॉट दैट इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बट इट्स समवेयर इट्स अ रिकॉग्निशन ऑफ द वे पीपल सी द फिल्म और सबसे ज़्यादा आई थिंक द काइंड ऑफ डिफरेंस दैट इट्स मेकिंग वे पीपल आर रिस्पॉन्डिंग एवरीवेयर चाहे इंडिया हो या बाहर हो बच्चों के साथ हमने स्क्रीनिंग किया है बड़ों के साथ रिजल्ट मोर ऑर लेस सेम नजर आ रहा है एवरीवेयर थिंक्स इट्स अ पावर पैक्ड फिल्म मैं इस सवाल पे थोड़ा डाइग्रेस कर रहा हूँ बट एक अपॉर्चुनिटी लेना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म की आपके सवाल को क्या आप इस फिल्म को टैक्स फ्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं ये गवर्नमेंट को डिसाइड करना चाहिए जो फिल्म सेंसर होती है कि कौन सी फिल्म उस टैग के लिए काबिल है कि नहीं क्योंकि जब तक फिल्म मेकर जद्दोजहद करके एक तो रिलीज करता है और जैसे उन्होंने कहा आपको रिलीज से पहले टैक्स फ्री चाहिए होता है मेरी खुद एक फिल्म थी माई ब्रदर निखिल जब मैंने अप्लाई किया कहते जी अब तो पोस्टमार्टम हो रहा है अब तो फिल्म तो चली गई है थिएटर से अब क्या करना मैंने कहा कहीं कुछ चल रही कहते जब तक होगा तब तक चिड़िया चुप गई खेत तो जैसे बाकी इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट
टैक्स फ्री कर देती है, मल्टीप्लेक्सेस को 5 साल की हॉलिडे मिली थी, जब सेंसर होती है फिल्म, एक कमिटी वहाँ हो सकती है, ये बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, इस फिल्म को टैक्स फ्री देना चाहिए, तो ये जिम्मेदारी मैं वापस गवर्नमेंट के दर थोप रहा हूँ और उनको एवेल्युएट करना चाहिए कौन सी फिल्म, क्योंकि फिर और फिल्में बनेंगी, हौसला अफजाई होगी, लोग फिल्म मेकर्स प्रोड्यूसर पैसा डालने में कतराएंगे नहीं, और फिर जैसे एक्टर्स को कास्ट भी कर लेंगे, कमर्शियल इम्पैक्ट हो या ना हो, बट आई फील ये गवर्नमेंट को CBFC के साथ ही डिसाइड कर लेना चाहिए, इस फिल्म का इम्पैक्ट इतना हो सकता है, इसको टैक्स फ्री किया जाए, इसको देश के कोने कोने में दिखाया जाए, चाहे वो मोबाइल थिएटर हो चाहे मल्टीप्लेक्स हो, ये फिल्म बिल्कुल टैक्स फ्री की जाएगी। दैट्स ऑल, कमिंग बैक टू द सूट, सॉरी, वेरी नो वेरी वेरी वेल पुट। आई थिंक एक सेंसर के टाइम में एक एटलीस्ट ये अगर हो जाए कि दिस फिल्म इज इन दैट कैटेगरी वेयर यू कैन अप्लाई, उसके बाद फर्दर स्क्रीनिंग हो सकती है, वो इवैल्यूएट कर सकते हैं, हां, तो एक प्रोसेस बहुत आसान हो जाएगा, अदरवाइज इट रिमेंस लाइक नॉकिंग ऑन, एक सुझाव है ये बस। बहुत अच्छा, मैं यही ऐड करना चाहूंगा कि समाज का आईना तो हर फिल्म होती है एक तरह से, हर किताब होता है, मगर इस तरह की कुछ फिल्में जो कॉज लेकर कॉज को कहीं बैकड्रॉप पे रख करके आगे बढ़ती है, कहानी कहती है, तो सबसे ज़्यादा जो अहमियत रखती है वो ये चीज़ है कि आप उस कहानी को कह कैसे रहे हैं, आप उसको एक थका हुआ आर्ट फिल्म बना करके 10 लोगों को दिखा रहे हैं, या आप उसको वही कहते कहते आप एक तारे ज़मीन पर बना रहे हैं, तो तारे ज़मीन पर भी एक कॉज रिलेटेड फिल्म है, एक मैसेज है, मगर उसको देखने के लिए लाखों करोड़ों लोग तैयार हैं, तो उस तरह का मेरे ख्याल से जो भी एक सीरियस फिल्म, मतलब इट शुड बी मच मोर देन एंटरटेनमेंट, हमारे कंपनी का लोगो ही वही है कि इट शुड बी एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट होगा तभी लोग आकर के देखेंगे, अगर आप कहानी अच्छे तरीके से कह रहे हो इन एन इंटरेस्टिंग एंगेजिंग वे, तो 10 के जगह एंटरटेनमेंट डजंट नेसेसरीली मीन मसाला, करेक्ट, एग्जैक्टली, इट शुड मूव यू, इट शुड मेक यू स्माइल, इट शुड मेक यू लाफ, इट शुड मेक यू लाफ, बिल्कुल, इट शुड मेक यू लाफ, मेक यू क्राई, मेक यू स्माइल, and it should spur you to do that one thing extra after, you should be a changed person after 1.5-2 hours that you have come to the theater, that if any film manages to do, and if the movement that any film continues to do after that aapko ek thoda sa ek alag insaan bana deta hai, to I think that's the kind of films that we are trying to do here with this film. So I don't know if I've answered your question, magar this is how normally. Yes. If I may, with your permission, sir, on stage, pe, producers and directors and music and actors, sab hai. Lekin film ke, I would like to invite the stars of the film on stage. If you don't mind. That's right. Asian industry or the ad industry or film industry, where so many child are employed and you know are so curious to make a career in acting. Especially in the TV industry, ma'am, so long working hours for the children, do you feel it practical as such? It's a very valid question. I just went for something, UNICEF or Cradley, ऐसे इसी मुद्दे पर हम लोग बात कर रहे थे और अमोल गुप्ते मेरे साथ थे और एक बहुत वैलिड पॉइंट उठाया गया था कि जब टेलीविजन करते हैं उनके एक तो वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, कई बार मालूम नहीं होता कि कितना वक्त लग जाएगा, क्रिएटिव फील्ड में यू नेवर नो कि कितना वक्त लग जाएगा। दूसरी बात ये, खासतौर पे जब रियलिटी शोज करते हैं तो स्ट्रेस फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है बच्चों पर, टू परफॉर्म, पीयर प्रेशर, माँ बाप, वो जो जजेस बैठे हैं ऊपर से जो मार्क्स आएंगे, तो वो सब और प्लस थकाने का काम जो फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, कितना रिहर्सल कर रहे हैं, फिर बच्चे को पढ़ना भी है, फिर थोड़ा सा रेस्ट भी कराना। सो वॉट अमोल हैड वेरी राइटली सेड इज कि टाइम बांधना चाहिए, जैसे हमने स्टैनली का डब्बा शूट की थी जब, बहुत अच्छा लगा था मुझे, उन्होंने कहा था देखो तुम्हें कोई वैनिटी वैन नहीं मिलेगी, तुम स्कूल में बच्चों के साथ बैठोगी, स्कूल क्लासरूम मेरा वैनिटी था, तो बच्चों के साथ बैठती थी, उनके टिफिन में से ही खाना खाती थी, सो दैट दे डोंट फील आउट ऑफ प्लेस कि इसको कुछ खास ही ट्रीटमेंट मिल रहा है। सो आई यूज्ड टू सिट विद देम, हम लोग सिर्फ सैटरडे संडे शूट करते थे, ये टीवी में नहीं हो सकता ऑब्वियसली, लेकिन हम कुछ चीज़ ऐसी कर सकते हैं, वन वी कैन गेट अ साइकोलॉजिस्ट ऑन द सेट्स, कई बार पीयर प्रेशर हो, टेंशन हो, स्ट्रेस हो, कोई आके आपसे प्यार से ऐसे भी कर लेना, मैं अभी घर से आ रही हूँ, स्ट्रेस में आ रही हूँ बिकॉज सब गणपति की सब चीज़ें हो रही है, मेरे भाई ने सिर्फ मुझे ऐसे किया, आई वॉज फाइन कि ओके ओके अभी हो गया, सब ठीक हो गया, एक वो चीज़,
एक बच्चों को आराम देना, उनका बचपन हमें नहीं छीनना चाहिए, हमें मालूम है परफॉर्मेंसेज ये सब बड़ा ज़रूरी है, लेकिन थोड़ा सा वक्त उनका जो उन्हें चाहिए, वो शरारतें करने का, वो बाहर खेलने का, हर चीज़ हम बता देते हैं, सुनो ये तुम्हारा पढ़ने का टाइम, सुनो ये तुम्हारा परफॉर्मेंस का टाइम, ऑल दैट वी नीड टू जस्ट लेट देम बी फॉर अ बिट। ये चीज़ें अगर हम डाल दें, कोई कमिटी बैठे जो टेलीविजन के लोगों को, ना सिर्फ टेलीविजन, फिल्मों के लोगों को भी कहें कि बच्चों का वक्त बच्चों का, पढ़ाई का वक्त पढ़ाई का, फिर जो वक्त मिले उसमें वो लोग जो करें ऑफकोर्स करें। दिव्या, हमारे पीछे एक लाइन है पोस्टर पे, आई थिंक इट सेज इट्स सो ब्यूटीफुली व्हाट यू हैव सेड, द सेम थिंग, लेट एवरी चाइल्ड बी फ्री टू बी अ चाइल्ड, नो अदर क्वेश्चंस आस्क्ड, टू बी अ चाइल्ड, उनका हक है खेलने का, कूदने का, बदमाशी करने का, है ना गोरख, बदमाशी करने का हक है। आप एक लेखिका भी हैं, तो आप इस विषय पे कुछ लिखना चाहेंगे आगे? जी, मुझे जो चीज़ मुतासर करती है मैं लिख देती हूँ, और इस पर मुझे लगता है बच्चे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर रहे हैं हर वक्त, क्योंकि इनसे जो रॉ एनर्जी मिलती है ना वो अनपैरेलल्ड है। मैं जितनी नर्वस स्टैनली में हुई थी मैं आज तक नहीं हुई, सो बिकॉज मुझे स्क्रिप्ट भी नहीं दी थी, उन्होंने कहा था बच्चों के पास पहुँच जाओ, जो करेंगे रिएक्ट कर देना। आई डिडंट इवन नो मेरी शूटिंग कब हो रही थी, इनके साथ भी ऐसा ही हुआ, ये क्या रिएक्ट करेंगे, क्या एक्टिंग करेंगे, यू डोंट नो, एंड दैट्स मैजिक, और उसको जो करते हैं वो बहुत खूबसूरत होता है। आई मीन हम ही अलग लगते हैं इनके साथ काम करके, सो इनके बारे में लिखना ऑफ कोर्स, आई मीन आई एम राइटिंग अ बुक व्हिच इज ऑन शॉर्ट स्टोरीज एंड इट श्योरली विल हैपन। तनिष्का, वन क्वेश्चन फॉर यू प्लीज, एक दो और सवाल लेकर के फिर हम इंडिविजुअल, आई थिंक साउंड बाइट्स, इंडिविजुअल साउंड बाइट्स विल बी आउटसाइड, आउटसाइड ठीक है, तो हमारे साथ जो है वो रहेंगे बाहर, एक दो सवाल और हम ले लेते हैं जल्दी से। Yes. Anisha, in a couple of years, you know, we have seen a lot of cinema where you have played a very crucial role, be it a Hindi film or a Hollywood film. What do you feel that the connect that brings as an actor in such kind of cinema, especially if we talk about this particular film? I mean, we've talked about all this, that, you know, the projects actually find us rather than us finding the projects. It's the universe conspires. For this particular film, like we've all talked about, that, you know, it's really about our childhood. And like I said before, that I think one thing, like, you know, there was a question that these films are competing with, you know, the blockbuster Bollywood films. And Boman very rightly said there's a place for every kind of cinema and every kind of storytelling. So it's not this versus that. But the other thing that I would like to also emphasize, which I said before, that we need to show our kids also these kind of films. We do not make films for children. So when Brahmanand actually told me, Tanvi and Brahmanand, that, you know, we are making a film about child labor, but this is the story. You know, I felt that this is, because usually what happens when making a film about child labor, it starts becoming about telling adults this is what happens in child labor. But this story, the way it was told, I just felt that kids can watch it. And they get also aware that, oh, you know, we have this childhood, but there are other kids who don't. And I don't think it's a very heavy subject for them. They understand, and they're far more sensitive actually than us. Like, I can see that with my own daughter, you know, the kind of questions that she asks. They're so mature and sensitive. So I think for me, this, the unique point for this film and to be associated with this film is that it is a film for children as well. And we need to tell our children different kinds of stories through different characters by making it a part of popular culture. That's the only way we will impact and make a change. It's because adults, sometimes we have already formed and formulated our personalities and our thoughts and ideas and our vision about the world. But kids are still forming. So we need to tell these stories to our children through pop culture. So, I mean, we use the example of Stanley Ka Dabba and, you know, other films which are also like, you know, they not only have characters as children, but they're also meant for children. I think we need enough in our industry better and more films for children. Aap log sawal karo ya bronze aap hi kuch puchh lijiye tabhi aap puchh lijiye jo aap ke aaj jalki experience kaisa tha ji aur jalki jo role kiya wo aur tumne khud mein क्या सिमिलैरिटीज है? हेलो,
यूपी में बहुत गर्मी थी तो मुझे बहुत इरिटेट हो रहा था और उसका मेकअप भी मुझे नहीं पसंद. स्टार मैंने बोला ना, हम एक्टर ये स्टार. और जॉय सर ने कैसे तुम्हें आरती से झलकी बनाया, वो एक जर्नी है, याद है उन्होंने क्या बताया था कि झलकी क्या करेगी वो सोचो, और वही तुमने किया पूरा शूट में. अब कोई सवाल पूछो जी, तो मैं पूछता हूँ गोराक्ष. तो जब इतनी बदमाशी तुम करते रहता था वहां पे, उछल कूद, इंपेशेंस, रेस्टलेसनेस, सब कुछ, कैमरा शुरू होते तुम कैसे बदल जाता था? मतलब मेरे मम्मी ने बोला था जब भी तू सेट पे जाएगा तभी पहले सर्स और कैमरास के पहले, मतलब जब भी वो रेडी बोलेंगे तो तू रेडी हो जाना. मतलब जो भी मम्मी बोलती है वो मैं सुनता हूँ. पर मम्मी इतना प्यार करती है और पापा भी इतना प्यार करते हैं, इसके लिए उन दोनों के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर ब्रह्मानंद सर. ये बड़ा हो गया. ये मम्मी कहाँ है तुम्हारी? मम्मी आई है, ये आपने से सिखा के मुझे. और ये मैं इतना बता सकता हूँ कि तीसरे दिन के बाद से ये लेंस डिसाइड करता था कि अच्छा आप टाइट शॉट ले रहे हो कि लॉन्ग शॉट ले रहे हो, अच्छा ये लेंस लगेगा अभी, ये पूछता था. और हमारा साउंड रिकॉर्डिंग था, एक जगह कुछ बात बन नहीं रही थी तो ही सेड कि हम वाइल्ड इसको ऑडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, आई विल स्लैप इट इट्स पॉसिबल. तो 5 मिनट देखा, फिर उसके बाद एक दो टेक लिया, बोला कि अच्छा आप इसको ऐसे रिकॉर्ड करके फिर वहाँ पे डालोगे. सो ही सेड व्हाट ही हैड ऑलरेडी सेड एंड ही डिड नॉट नो. सो ये तो वो हमारे साउंड इंजीनियर जी ने कहा कि पाँच दिन के बाद से ये कैमरा चलाएगा, देखना. बेसिकली फिल्म इसने बनाई है, ब्रह्मानंद ने कुछ किया नहीं.